आखिर कावड़ जान में जनता भूत गड़ी जाए और फिर उरे है ने ऊं से किन की बिगड़ी के आन यो काम बेटा मत करके जो भांग या और कोई चीज बनना सो करके दौड़े है ना तो की वजह से बेटा मैं दौड़ो तो कोई फायदा नहीं मैं दौड़ तो फायदा बात तो एक मान लो 3 दिन की 4 दिन की रहेगी आर उनके बाद जो उनको जिंदगी भर एक ऐसा ऐप पाड़ लोगा तो उसे खुद परेशान परिवार परेशान पड़ोसी परेशान गांव परेशान तो एक तो तारा सबसे दोनों भी उतना सी हमारी विशेष प्रार्थना दूसरी समूह में ताकत बहुत हो अब आप 34-35 जना हो अरे एक आदमी कोई कावड़ी आग आग हो या कोई दोनों कोई गाड़ी भिड़ी या कोई और कोई बात होगी तो इतना उतावला हो गया उनको पर वो कोई अटैक मत करिए जैसे मतलब आग गए दिक्कत आओ एक लान तो कोई किमी भी कह दे एक लान तो कोई धक्को भी मार जाए थप्पड़ भी मार जाए तो फिर भाई लौदो कौन चल और कई होने तो फिर बाबू बदलो लेने की भावना हो जाए और मेरे साथ कह निकले जो मेरी गाड़ी का आगे कह लगा दी मतलब ऐसी कोई भावना हो जाए तो वो भावना मत गए बेटा दो और तीसरी जो है अब सारा एक साथ दौड़ने को नहीं हो कई शरीर कई यहाँ को शरीर मोटो भी है कहीं थक भी जल्दी जाएंगे कहीं छाला भी हो जाएगा मन मोटा उठा से मत करके जाए तीन और चौथी बात यह है आके जो है भगवान से यह प्रार्थना करियो आके हमारा जीवन में सुख शांति हो मारो परिवार की मारा वंश वृद्धि हो मारो परिवार अच्छी तरह से चल रहे हमने नौकरी सर्विस मिले हमारी ब्याह शादी टाइम पर ऐसी प्रार्थना करोगा ना फिर तो अच्छा लगे आर उठे नशा करके उल्टा सीधा काम करोगा ना तो तारी बदनामी तो है बेटा फिर साथ साथ गांव की भी गांव के साथ मारी भी तो ऐसा कोई भी रोल ना करियो जैसे तारे कोई आगे दिक्कत आओ फिर तने भी जो है शंकर भगवान मान के सब लोग तारा धोख मारेगा सब लोग जो है तानू जो वो दक्षिणा देगा कपड़ा देगा रिश्तेदार देगा तो बहुत सम्मान के साथ यार को नहीं काम तीन तो पग तड़ाए तो 100 रुपया ही दिए यार भावना बेटा मत ना 100 को सूत्र एक ही है आपस में तारो खूब प्रेम बढ़े आपस में परिवार में प्रेम बढ़े रिश्तेदारी में प्रेम बढ़े एक आदर्श उपस्थित हो जब तो तारी कावड़ जानी है सर से और पग पीटा था तभी पीटे हो कोई को ध्यान हो रहा मैंने और ऐसा आगे कदे भी जो है ना एक वर्ष साल में एक बार जद भी ताना अच्छा लागे व्यवस्था करवा रहे हैं बात बने की 101 परिक्रमा ऐ कावड़ाला टेम में चाहे खाटू श्याम वाला में चाहे कहीं दौड़ के कर लो चाहे धीरे धीरे करके कर लो चाहे कहीं बिगड़ के बाबा प्रागदास के होगा और या ताना में लिख के जो है जो कावड़ उठा से लेके आओगे ना उनसे ज्यादा फल उड़ा लोगे सारा मिलके और दौड़ दौड़ के कर लो उठा तो 100 मीटर में दौड़ूंगा 50 मीटर में दौड़ूंगा यहाँ करके 101 वो पूरी कर लो तो कावड़ उठा से लाओगा ना उससे ज्यादा पड़ोगे कदे भी कर लियो साल में मतलब तारी छूट है सर्दी में कर लो चाहे गर्मी में कर लो चाहे कावड़ा के ऊपर कर लो चाहे खट्टू श्याम का ऊपर कर लो कदे भी एक बार यू प्रोग्राम वो कर लो और ए प्रोग्राम में 3-4 बातें ऊपर ही से बता दो हमारा शरीर रहे न रहे कोई जो ना सब को जो को सुनो रहे तो बात आराम हो लो न यह बात लिखवाई है चार तरफ बस मन मन में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी बोल के तनाव मुक्त हो गई या मानो काम शंकर भगवान का चरणाम है तो बाबू प्रागदास जो ने जठा को कुल देवता हो है बेटा वो कुल देवता जो हर देश का है ना जहां मान लो आपने उरा से कोई दूसरी जगह धोख लगाने जाओ उठा को देवता का के नियम है के बात है अपन को जानकारी सुन ली वैसे मान लिया और अपने पूरे जन्म है बाबू प्रागदास पूरे जन्म में हो इनका के सिद्धांत था के ये चाहता कई जो ना अपन फायदो मिले ये अपन सब पतो है बताने की जरूरत को नहीं और एक लिए हमने गुरु जी जो ने एक कहानी बताई थी आगे एक गाय के जो ना 18 लीटर दूध है और दूसरी के 7 लीटर है पर 7 लीटर वाला को बछड़ो जो है ना वो 20 लीटर 18 लीटर वाले के अगर जाओ तो लात खा और उनका 7 से 7 में पेट भर गया और उन्हें दो तो अपना देवता अपना परिवार अपना महात्मा अपना बाबू प्रागदास ये मतलब कम को नहीं है या मत मानो आप जो ना कितना कितना अब हिसार का कने गांव धमाना कोई गांव है उरा से पचेरिया उठे जाके बस रहे वो उठा से प्रसाद बना के लाऊ उठा से बेल लाऊ उठा से मतलब कितने कितने बार धोख मार के जाऊं दंडी लाऊ तो उनका फायदा मिलता हो जाए तू रहा है नहीं तो एक बराज दो बराज चार बराज तो बिल्कुल आराम से आस्था के साथ जाओ
शिक्षा का रूप में जाओ नहीं तो बेटा बहुत अच्छा लगे शांति के। हमारे मन में शांति हो, हमारे परिवार में शांति हो, हमारे घर में शांति हो, हमारे समाज में शांति हो, हमारे गांव में शांति हो, ऐसा विचार करके कवर जाओ तो बहुत फायदा मिलेगा। सिर्फ विचार ही बदलना है उतना ही तो बाद में पड़ेगा, वही चीज खानी पड़ेगी, वही जो अनुभव दोनों इतने दिन दो तीन दिन दोनों परेशानी होगी परेशानी होगी, पर भाव थोड़ा अच्छा कर लोगा ना तो वो आनंद एक अलग आओ। तो और जो है मार से बहुत ज्यादा समझदार हो आप, का संपर्क से कोई समझदारी आ रही है, देखो पूरा दिन पढ़ाई भी हो, माँ बाप को भी सुनी ले, परिवार में भी सुनी ले, पर हमारे जो दिमाग में थोड़ा बात आता है बेटा बहुत खुशी प्रसन्नता के साथ एक दूसरा अगर कोई पैर के ला गई या तो उन्होंने तू भाग कठे भाग वो बेचारा उनके पैर के ला गई, दूसरा आदमी आने भैया महसूस हो अब भाई एक माँ जी की कावड़ लेने वाली टीम आई, देखे भाई बहुत तो अनुशासन तो बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। अपने आश्रम में ज्यादा लोग ऐले को नहीं आऊ अब उठे अनुशासन वगैरह पड़े नहीं तो सबके लिए किसी भी गलत आदत हो आप उन्हें जो है परिवार के लिए संतान के लिए आदमी कितना बड़ा से बड़ो काम भी कर सके कितना बड़ो काम हो सके उन करेगो तो आप जो है सुख शांति से जाओ बेटा बहुत अच्छा लगे। Thank you.